हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष चौहान आपको अपने यूट्यूब चैनल नेचर बायोलॉजी में स्वागत करता हूँ। कैसे हो बच्चों? आज का हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस। फोटो मींस फोटोन, जो लाइट में प्रेजेंट होता है, एंड सिंथेसिस मींस टू मैन्युफैक्चर। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें ग्रीन प्लांट्स एंड सम ऑर्गेनिजम्स लाइक साइनोबैक्टीरिया, ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, वो सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर को फूड में कन्वर्ट करेंगे। वो फूड होगा ग्लूकोज बाय यूजिंग ऑफ सम एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। दैट मीन्स लाइट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी एंड अल्टीमेटम सोर्स ऑफ एनर्जी इज सनलाइट। फ्रेंड्स, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स एटमोस्फियर में से एब्जॉर्ब करेंगे एंड वाटर को रूट में से एब्जॉर्ब करेंगे एंड फाइनल बाय प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड दैट वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस। एक ग्रीन लीफ है, उसमें स्पेशल टिश्यू प्रेजेंट होती है जिसे मेसोफिल टिश्यू कहेंगे। दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। इन क्लोरोप्लास्ट स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज प्रेजेंट विच इज कॉल्ड ग्रेनम। ग्रेनम में एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थाइलेकोइड कहेंगे। इन थाइलेकोइड ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल इज प्रेजेंट डेट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस एज वेल एज ग्रीन कलर ऑफ प्लांट्स। तो अब आपको पता चल ही गया कि फोटोसिंथेसिस अकर इन थाइलेकोइड। स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो क्लोरोप्लास्ट डबल लेयर मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन एंड दूसरा इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन के अंदर ये जो ग्रीनिश पार्ट है जिसे हम ग्रेना बोलेंगे, उस ग्रेना में एक जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम ग्रेनम कहेंगे। ग्रेनम के अंदर एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है जिसे हम थाइलेकोइड कहेंगे एंड दो ग्रेनम के बीच में जो पटल है जिसे हम स्ट्रोमा लेमिनी कहेंगे, नॉट ग्रेनम लेमिनी, स्ट्रोमा लेमिनी। एंड रिमेनिंग पार्ट्स जो है उसे हम स्ट्रोमा कहेंगे। फोटोसिंथेसिस दो स्टेज में डिवाइड किया है, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में लाइट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर द रिएक्शन, दैट्स व्हाई वी कॉल लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में लाइट का कोई महत्व नहीं है, इसीलिए हम उसे डार्क रिएक्शन कहेंगे। लाइट रिएक्शन अकर इन ग्रेनम एंड डार्क रिएक्शन अकर इन स्ट्रोमा। लाइट रिएक्शन में जो हाई इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल ATP एंड NADPH बनेंगे उनका यूज डार्क रिएक्शन में केल्विन साइकिल में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करने में होगा एंड थ्री कार्बन कंटेनिंग मॉलिक्यूल ट्रायोज शुगर बनेगा एंड देन इट इज कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। यहाँ पे डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, इसीलिए उसे कार्बन फिक्सेशन स्टेज भी कहते हैं एंड ग्लूकोज का फॉर्मेशन हो रहा है, इसीलिए उसे बायोसिंथेसिस फेज भी कहेंगे। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन के बारे में बात करेंगे। लाइट रिएक्शन में दो प्रोसेस होगी, स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड फोटोफॉस्फोराइलेशन। स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, वाटर इज ब्रेक डाउन which is also called protolysis and releasing electron, hydrogen and oxygen. Oxygen is a net product of photosynthesis. Second, photophosphorylation. Photo means photon, light, and phosphorylation means adding of phosphate. Light ke presence mein phosphate add hoga, usko hum photophosphorylation kahenge. Jaise ki adenosine diphosphate hai एंड एक फॉस्फेट है,
तो एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में एक फॉस्फेट ऐड हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज ए फोटोफॉस्फोराइलेशन। ये थाइलेकोइड मेम्ब्रेन है। तो फोटोफॉस्फोराइलेशन दो टाइप्स है फोटोफॉस्फोराइलेशन के, PH2 एंड PS1। उनका नाम उनके सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी के आधार पे दिया है। फोटोसिस्टम वन है, उनका जो मॉलिक्यूल है वो 700 नैनोमीटर पर बेस्ट लाइट लाइट एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए उन्हें P700 भी कहते हैं। एंड फोटोसिस्टम टू 680 नैनोमीटर पर बेस्ट लाइट एब्जॉर्ब करता है, इसीलिए उन्हें P680 प्रोसेस कहते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक बात और नोट करनी है कि स्प्लिटिंग ऑफ वाटर PH2 में ही होगा, PS1 में नहीं होगा। 2019 नीट के पेपर में क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोडक्ट ऑफ लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। लाइट रिएक्शन में हमने देखा कि ऑक्सीजन इज मेड, NADP इज मेड एंड ATP इज मेड। सो ऑक्सीजन यस, ATP यस बनेगा, NADPH यस बनेगा, लेकिन NADH नहीं बनेगा। तो दिस इज द आंसर। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स वो कॉम्प्लेक्स है जो पिगमेंट मॉलिक्यूल है एंड सम अदर पर्टिकुलर प्रोटीन्स है, उनका काम क्या है? तो लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का काम है फोटोन को एब्जॉर्ब करना एंड रिएक्शन सेंटर में फोकस रखना। अब रिएक्शन सेंटर क्या है? तो रिएक्शन सेंटर इज कंटेनिंग ओनली क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल। क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल इज ए मेन रिएक्टेंट ऑफ दिस प्रोसेस, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रिएक्शन सेंटर। पिगमेंट मॉलिक्यूल इज ऑल्सो नोन एज ए एसेसरी मॉलिक्यूल्स, एंड पिगमेंट मॉलिक्यूल में जेंथोफिल, कैरेटोनॉइड एंड क्लोरोफिल भी आएगा। पिगमेंट मॉलिक्यूल ऑल्सो सेव रिएक्शन सेंटर, मतलब क्लोरोफिल ए को, फ्रॉम फोटो ऑक्सीडेशन। फोटो मीन्स फोटोन एंड ऑक्सीडेशन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ज़्यादा लाइट की वजह से क्लोरोफिल ए ऑक्सीडाइज हो जाएगा एंड दे आर ब्रेक डाउन। तो उनको ब्रेक डाउन होने से बचाता कौन है? तो वो बचाएंगे पिगमेंट मॉलिक्यूल्स। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूले। थैंक यू।